सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी वॉर मूवी की 30 मिनट्स की क्लिप्स के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अब इन्फिनिटी वॉर मूवी को रिलीज होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए इस फिल्म के डायरेक्टर अपनी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं हर शहर में जाकर, लेकिन वो लोग इंडिया नहीं आने वाले। तो रिसेंटली उन्होंने ये भी कहा था कि वो इन्फिनिटी वॉर की उस इवेंट्स में आधे घंटे की क्लिप भी दिखाएंगे, और सच में वो इस फिल्म की आधे घंटे की क्लिप भी दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पर अलग अलग क्लिप दिखा रहे हैं, वो सभी जगह पर एक ही क्लिप दिखा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा ना कर पाए कि उन पूरी क्लिप्स को मिलाकर वो एक पूरी फिल्म ही बना दे और उसे ऑनलाइन रिलीज कर दे। ये चीज कंपनी को काफी घाटा देगी। तो इस फिल्म की पहली आधे घंटे की फुटेज दिखाई गई है लंदन शहर में। तो अब आगे की बात करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ी बहुत उस फुटेज की जानकारी दूंगा। वेल, तो सबसे पहली फुटेज दिखाई गई है पीटर, टोनी, ब्रूस बैनर और डॉक्टर स्ट्रेंज की। और अभी रिसेंटली पीटर की जो फुटेज आई है वो भी फुटेज उस इवेंट में थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो उस क्लिप में उसके बाद दिखाया गया है कि आसमान से हमारे ब्रूस बैनर गिरते हैं सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरियम में, और वहां पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को ये बताते हैं कि थैनोस उस स्टोन को लेने आ रहा है। उसके कुछ ही देर बाद फुटेज को काटकर सीधे न्यूयॉर्क सिटी की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर हमें क्यू शिप नजर आता है, और उसमें ये कंफर्म कर दिया गया है कि उस क्यू शिप में एबिनिमो और कार्नवेस ग्लेव है जो टाइम स्टोन लेने आए हैं। लेकिन उस बैटल में वो लोग प्रॉपर तरीके से लड़ नहीं पाते हैं और फिर वहां से भागने की सोचते हैं। इस बीच वो लोग वहां से डॉक्टर स्ट्रेंज को किडनैप कर लेते हैं और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। और जैसे ही टोनी और स्पाइडरमैन आगे बढ़ते हैं तो उस फुटेज को वहीं पर खत्म कर दिया गया है। और दूसरी फुटेज है थॉर की, जहां पर थॉर जाकर सभी गार्डियन से मिलता है। वेल, तो ये क्लिप भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ये बताया गया है कि थॉर सभी गार्डियंस को ईथर स्टोन के बारे में बताता है, जिसके बाद गमोरा सभी गार्डियंस को सारे इंफिनिटी स्टोन के बारे में बताती है। फिर थोड़ी सी क्लिप कलेक्टर की है, जहां पर थैनोस ईथर यानी रियलिटी स्टोन को लेने आया है, और फिर ये क्लिप यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, तो रूसो ब्रदर्स ने ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं किया है ताकि फैन जब इस फिल्म को थिएटर में देखने बैठे तो उनकी एक्साइटमेंट बरकरार रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस फुटेज को लेकर मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।